गुड मॉर्निंग बच्चों, के एल लखन मेमोरियल सी बी एस स्कूल मधुरा आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम इसमें संचयन किताब में हरिहर काका पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, और वह पिछले कक्षा में समाप्त भी हो गया था। ठीक है, तो आज हम बच्चों क्या करेंगे, आपके अगले हफ्ते हफ्ते मतलब 9 तारीख से परीक्षा आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन शुरू करने से पहले बच्चों एक बार आपका वो सिलेबस क्या था, ठीक है, और कौन कौन से पाठ आपको परीक्षा के लिए है, यह सब आप इस कक्षा में चर्चा करेंगे। बच्चों आइए, तो पहला भाग किताब स्पर्श भाग 2, ठीक है, इसमें बच्चों देख लिए आप, पहला पाठ पद्य, पद्य भाग में पहला कबीर कबीर द्वारा लिखित है साखी, ठीक है, और दूसरा मीरा है? और चौथा मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है मनुष्यता। ठीक है, ये 3 पद्य है, और गद्य खंड में, ठीक है, पाठ में पहला बड़े भाई साहब और दूसरा क्या है, लीलाधर मंडलोई। ठीक है, ये तो क्या है गद्य भाग में, और एक दूसरा किताब संचयन भाग 2 में क्या है, संचयन में बच्चों उधर पहला और तीसरा, ठीक है, ऐसा हुआ है, वो गलत है, उसमें एक ही पाठ हरिहर काका, समझ में आ रहा है ना, मैथिली मिथिलेश्वर द्वारा लिखित है हरिहर काका एक ही पाठ, उसमें बच्चों स्पर्श भाग में वो ऊपर के क्या है, वो पद्य भाग, समझ में आ रहा है ना, नीचे के गद्य भाग, नीचे और एक लिखना था उधर क्या, संचयन किताब में एक, ठीक है, वो उधर लिख लो। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये क्या है, परीक्षा के लिए सभी पाठ है। कुल मिलाकर कितने हुए बच्चों, पहला मतलब स्पर्श भाग 2 में 1, 2, 3, 4, 5, और संचयन भाग 2 में, ठीक है, दूसरा किताब उसमें 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाठ हुए बच्चों, कुल मिलाकर उसमें 6 पाठ मिलकर 80 अंक का एक प्रश्न पत्र आपको आता है बच्चों। देखो इधर, अब आज से पुनरावर्तन शुरू करना है, पुनरावर्तन करते समय आपको जो प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आता या आपको क्या कंफ्यूज होता है, सीधा मुझे फोन लगा के पूछो, उसके बारे में चर्चा करो। ठीक है, ठीक तरह से आप क्या करना है, परीक्षा के लिए तैयारी करो, 10वीं कक्षा के बच्चों हो आप, ठीक है, परीक्षा बच्चों अवश्य चलते हैं, समझ में आ रहे ना, तो ये तो कोरोना के लिए कोविड-19 है, परीक्षा नहीं चलते ऐसा मत सोचो आप, परीक्षा अवश्य चलते हैं, तो इसलिए आप परीक्षा के लिए क्या करना है, बहुत परिश्रम करना ही है, समझ में आ रहे ना। अब घर में आप पढ़ रहे हो चाहे तो आप क्या करो, पढ़ते समय आपको क्या समझ में नहीं आता, फ़ोन लगाओ मुझे, सीधा पूछो, या उसको आप क्या प्रश्न आपको समझ में नहीं आता उसको उसका फोटो निकाल कर, ठीक है, मुझे भेज दो, मैं आपको क्या करता हूँ उसके बारे में चर्चा करता हूँ बच्चों। हम इतना सारे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी क्या करना है, हमारे साथ हाथ मिलाना जरूरी है। देखो इधर बच्चों, जिस तरह उधर आपको क्या है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न आया है, अपठित गद्यांश मतलब एक पद्य और एक गद्य होता है, समझ में आ रहा है ना, वो 10 अंक का, और व्यवहारिक व्याकरण 16 मार्क्स। ठीक है, वस्तुपरक सॉरी पठ्य पुस्तक, तो ऊपर क्या है अपठित गद्य क्या है, अपठित गद्य और पद्य, उसमें किताब से अलग बच्चों, किताब से अलग होते हैं एक पैराग्राफ और एक पद्य, किताब के नहीं होते हो वो तो क्या होते हैं, जनरल अलग होते हैं। इधर क्या पठ्य पुस्तक गद्य और पद्य क्या है, ये तो क्या है गद्य और पद्य एक किताब के होते हैं बच्चों, समझ में आ रहे ना, एक गद्य या 2 गद्य 1 पद्य, ठीक है, या 2 पद्य 1 गद्य, ये किताब के होते हैं, समझ में आ रहे ना,
इसलिए वो क्या है 14 अंक, दो गद्य 5 मार्क्स से 10 हुआ और एक पद्य 4 अंक 14 मार्क्स से। और वस्तु पर हम पूरक पठ्य पुस्तक समझ में रहे ना, ये प्रश्न आते हैं बच्चों, ठीक है, 2 अंक के, 4 अंक के और 3 अंक के। उसमें देखो 2 अंक के 2 प्रश्न समझ में रहे ना, 4 अंक के 4 अंक का 1 और 3 अंक के 2 प्रश्न समझ में रहे ना। और आगे जाके लेखन मतलब निबंध और पत्र 16 अंक के होते हैं, 16 मार्क्स। मतलब उसमें आप क्या करते हो बच्चों, देखते हो उसमें आपको वार्तालाप भी लिखना पड़ता है, समझ में आता ना, एक विषय पर आप वार्तालाप कर डिस्कस कर, समझ में रहे ना। इस तरह उधर क्या होते हैं 16 अंक का लेखन होता है। इस तरह क्या है कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र रहता है बच्चों, ठीक है। परीक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से तैयारी करते हुए परीक्षा लिखने के लिए आप तैयारी होना चाहिए बच्चों। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, आज आपको यह प्रश्न आता है, ठीक है, यह प्रश्न पढ़ो, इस तरह बोलने का नहीं रहना, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। कबीर द्वारा लिखित वह साकी पद्य है, उसमें पूरा बच्चों एक मैं बताता हूँ इधर आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, क्या वो भाग है, और निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, ये पद्य है समझ में आ रहे ना। भाषा अध्ययन मतलब ये व्याकरण भाग में आपको मैं ये आता तो ये प्रश्न आता इस पर आता ऐसा नहीं बोलना, इस तरह बोलने के लिए नहीं होता, क्योंकि व्याकरण भाग के जो चैप्टर है उसमें सभी चैप्टर पर प्रश्न आते हैं। आप क्या है देख कर या उसके बारे में सोच कर ही लिखना है। देखो बच्चों, हर एक पाठ के पद्य हो या पाठ हो, पूरा क्या करना है, प्रश्नोत्तर पढ़ना ही है समझ में आ रहे ना। इसमें क्या होता है, भाव स्पष्ट कीजिए, पद्य का भावार्थ लिखना पड़ता है, ठीक है। वो 3 अंक के अवश्य प्रश्न आते हैं बच्चों समझ में आ रहे ना, इसलिए आप क्या करना है, लिखना जरूरी है। और आप समय मिला तो क्या आपको इधर पाठशाला आने के लिए मुश्किल नहीं हो, तो आप आकर इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपको समय हो तो आइए, ठीक है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, इधर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद, ठीक है, गद्य खंड में क्या करेंगे बच्चों, बड़े भाई साहब पाठ है, ठीक है। बड़े भाई साहब आप अच्छी तरह से देख लिए हैं, ठीक है। उसमें बच्चों देखो इधर मौखिक गद्य भाग में क्या मौखिक प्रश्न आते हैं, मौखिक प्रश्न ये सभी 1 अंक के लिए समझ में आ रहे ना, 1 अंक के लिए प्रश्न होते हैं हर एक पाठ के। और आगे लिखित तो क्या है, ये 2 अंक के हो या 3 अंक के, निम्नलिखित तो प्रश्नों के ख भाग है, देखो 50 या 60 वर्ड्स में, ठीक है, 50 या 60 शब्दों में लिखिए, ऐसा प्रश्न है। ये सभी जो 4 अंक के लिए हो, ठीक है, 3 अंक के लिए, इस तरह प्रश्न होते हैं। इसमें क्या है, 2 पाठ गद्य भाग है, कौन कौन से, बड़े भाई साहब और एक तंत्र वामीरो कथा, ठीक है, ये 2 पाठ इसमें जिस तरह प्रश्न आते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। दोनों पार्ट में मौखिक प्रश्न क्या आते हैं, ये सभी 1 अंक के लिए होते हैं बच्चों, ठीक है। उसमें मल्टीपल चॉइस हो है ना, खालिस्तान भरी है, सिर्फ 1 अंक के लिए मैं क्या करता हूँ, या उस पार्ट में पैराग्राफ गद्य भाग आते हैं ना, वो भी मैं ले सकता हूँ। पैराग्राफ आए तो क्या होता है, 1 अंक के प्रश्न उधर आपको अवश्य मिलते हैं समझ में आ रहे ना, इस तरह। और आगे के प्रश्न जो है वे सभी क्या है, 3 अंक के हो या 4 अंक के होते हैं बच्चों। ये हुआ। और संचयन अल्लाह किताब, उसमें सिर्फ एक ही पाठ हुआ है, हरियर का हरियर का पाठ तो आप अच्छी तरह से सुने हैं, उसमें उस पाठ के पीछे 10 प्रश्न है बच्चों। वे भी उसमें 3 अंक के हो या 4 अंक के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। आप क्या करना है, अच्छी तरह सोच कर उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक
ठीक है तक किताब के हुआ बच्चों। अब आगे देख लो इधर उधर क्या दिए उन्होंने, मैं कहा आपको पठ्य पुस्तक गद्य और पद्य, समझ में आ रहे ना, पठ्य पुस्तक गद्य और पद्य के क्या होता है, 14 अंक मतलब उसमें दो पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। क्या पैराग्राफ आते हैं, उदाहरण के लिए मैं इधर आपके साथ एक पैराग्राफ चर्चा करता हूँ बच्चों। देखो इधर एक प्रश्न पत्र है, उसमें जिस तरह प्रश्न आए हैं किन्हीं दो मुहावरे का वाक्यम प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि आशय स्पष्ट हो जाए। मुंह की खाना, आवाज उठाना, दो से चार बना, मुहावरे दिए हैं। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए या उत्तर दीजिए। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे महत्वपूर्ण कहा और क्यों, समझ में आ रहे ना, आप देखे हो। और एक प्रकृति में हुए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ है, अब कहाँ दूसरे के दुख से, ठीक है, दुखी होने वाले पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। और प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं बच्चों, ये तो पिछले कक्षा के प्रश्न पत्र है, पिछले साल का, तो उसमें पूरा सिलेबस था, ठीक है, कि इस बार आपका सिलेबस थोड़ा है हुआ क्या हुआ है, कट हुआ है, इसलिए इसमें प्रश्न अलग अलग है बच्चों। इसलिए आप क्या करना है, क्या को मैं पाठ कहा, सभी पाठों को आप क्या करना है, ठीक तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है। लास्ट आपको मैं लेखन में कहा था, उसमें क्या होता है, वार्तालाप भी आप लिखना पड़ता है। देखो इधर जिस तरह होते हैं वो प्रश्न, मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि पशु प्रकृति क्या है, ठीक है। देखो वार्तालाप लेखन कहना है वही, कंपनी भाग में रेखी तोप के अतीत और वर्तमान की स्थिति में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रतिपादित कीजिए कि कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुखबंद, 5 अंक के प्रश्न है बच्चों। और उन मानवीय गुणों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए जिनका उल्लेख कवि ने मनुष्यता कविता में किया है। उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगते थे, समझ में आ रहे ना, ये 5 अंक के प्रश्न है बच्चों। अथवा सपनों के से दिन पाठ के आधार पर पीटी सर के स्वभाव की विशेषताओं पर सोधारण प्रकाश डालिए, 5 अंक का। और मतलब हर हर एक प्रश्न का दो दो प्रश्न है बच्चों, उसमें आप कौन सा भी एक लिख सकते हैं, समझ में आ रहे ना, 5-5 अंक के दो प्रश्न है, किन्हीं एक लिखना है, समझ में आ रहे ना, चॉइस भी आपको उधर मिलते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, निबंध बोलते हैं ना, उसमें मित्रता, मित्रता आप उदाहरण के लिए मित्रता लिए तो उसमें आप नीचे उन्होंने क्या करते हैं, कुछ आधार बिंदु देते हैं बच्चों, ठीक है, वो बिंदु उपयोग करते हुए या नीचे तो आधार बिंदु का उपयोग करते हुए क्या करना है, निबंध लिखना है। पहला देखो, मित्रता आप लिए तो उसके बारे में निबंध लिखने के लिए आप शुरू किए तो मित्रता की आवश्यकता, मित्र का चुनाव और पारस्पर संबंध, ये तीनों आप क्या करना है, भाग लिख के इन तीनों बिंदुओं का उपयोग करना है उसमें, सॉरी इन तीनों बिंदुओं का क्या करना है, उपयोग करना है। पहला ये पॉइंट्स करके लिखना है, मतलब मित्रता की आवश्यकता, क्या आवश्यकता, समझ में आ रहा है ना। आगे मित्र का चुनाव, चुनाव मतलब चॉइस, जिस तरह मित्रों का हम चॉइस करना है। और पारस्परिक संबंध, मित्रता में संबंध जिस तरह होना चाहिए, ये हुआ। और दूसरा क्या है, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग उसमें भी उन्होंने आधार बिंदुओं को दिए, समय का महत्व, ठीक है, सदुपयोग क्यों और दुरुपयोग कैसे हो रहा है, उसका सदुपयोग मतलब यूज जिस तरह करना है
और आज के युग में उसका दुरुपयोग जिस तरह है, सदुपयोग क्यों और सदुपयोग कैसे, सदुपयोग दुरुपयोग नहीं सदुपयोग, सदुपयोग क्यों, समझ में आई ना, उपयोग क्यों करना है और सदुपयोग कैसे करना है, क्यों करना है कैसे करना है, ये तीन है। और ग स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ठीक है, उसमें भी स्वच्छता का अर्थ, स्वच्छता की आवश्यकता और हमारा कर्तव्य, ठीक है बच्चों। इस तरह क्या है, निबंधों का, निबंध में इन ऐसे दिए हुए आधार बिंदुओं का अब प्रयोग करना है। आगे, निकट की गरीब बस्ती के कुछ ऐसे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं जिनकी उम्र कम है और जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था, कामों पर नहीं। अपने राज्य के समाज कल्याण मंत्री को एक पत्र लिखकर उपयुक्त उपाय करने का अनुरोध कीजिए, ठीक है, पत्र लिखना। अथवा अनजाने में हुई किसी चूक के कारण आपको विद्यालय द्वारा दंडित किया गया है, पत्र द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रधानाचार्य महोदय से दंड क्षमा करने का अनुरोध कीजिए, हेडमास्टर, ठीक है, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, हेडमास्टर। आगे, आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं, विद्यालय में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के बारे में 25-30 शब्दों में एक चुनाव तैयार कीजिए, ठीक है। खेल कूद सचिव की ओर से विद्यालय में आयोजित होने वाली आगामी खेल कूद प्रतियोगिता की तिथि और कार्यक्रम की सूचना लगभग 25-30 शब्दों में तैयार कीजिए। आगे बच्चों, घरेलू कामकाज छोड़कर मतदान के लिए अनुच्छुक महिला और मतदान करके लौटी उसकी पड़ोसिन के बीच हुए संवाद को लगभग 25 शब्दों में लिखिए, संवाद मतलब चर्चा। या उसके अलावा, नया मोबाइल फोन खरीदे जाने के लिए आग्रह करने वाले पुत्र और उसके पिता के बीच हुए संवाद को लगभग 25 शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये सभी बच्चों चॉइस है, उसमें आप दो दो प्रश्न दिए हैं, उसमें कौन सा भी एक लिख सकते हैं। नवयुवक दल के द्वारा संचित किए जाने वाले नाटक की तिथि और टिकट दर स्थान आदि के बारे में एक विज्ञापन लगभग 25 शब्दों में लिखिए। अथवा अपने गांव की दुग्ध सहकारी समिति की ओर से दूध, दही, घी, पनीर इत्यादि की दरों और बिक्री केंद्र का उल्लेख करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। इस तरह बच्चों ये क्या है, 5 अंक के प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप क्या करना है, प्रश्न इसी तरह आते हैं लेकिन प्रश्न अलग 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 रहते, यही प्रश्न नहीं आते, प्रश्न अलग अलग रहते हैं बच्चों, इसलिए आप क्या करना है ठीक तरह से, ठीक है, प्रश्न समझ कर तो उसका उत्तर लिखना जरूरी है। पत्र के बारे में और व्याकरण भाग में जो प्रश्न आते हैं वो तो क्या करना है, आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना जरूरी है, क्योंकि ग्रामर में आप छोड़ दिए तो आपका स्कोर नहीं होता, ठीक है, इसलिए और ग्रामर भाग में जो प्रश्न आते हैं वे सभी आप क्या करना है, ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर लिखना जरूरी है बच्चों, ठीक है। और पढ़ते घर में अब परीक्षा के लिए आप तैयारी शुरू किए रहते हैं, पढ़ते वक्त आपको क्या समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, सीधा मुझे फ़ोन लगाओ, ठीक है, और उसके बारे में पूछो, मेरे साथ चर्चा करो, समझ में आ रहे ना। या उसे आप एक किताबों में पहला क्या करो, बोलते समय क्या होता है बच्चों, याद नहीं आती, समझ में आ रहे ना, इसलिए मुझे फ़ोन लगाने से पहले आप क्या करो, वो पूरा नोट करो, क्या क्या पूछना है सर जी से, प्रश्न लिख लो, बाद में क्या करो, मैं मुझे फ़ोन करो, या आप उसका फोटो खींच कर मुझे क्या करो भेज दो। मैं क्या करता हूँ, प्रश्न देख के बाद, देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपको फ़ोन लगा के उसके साथ उसके बारे में चर्चा करता हूँ। परीक्षा आप प्रश्न पत्र आप देखते रहते हो बच्चों, उसमें आपको क्या शक होते हैं पूछने के लिए, आगे पीछे मत करो, सीधा मुझे क्या करो, उसके साथ उसके बारे में मेरे साथ चर्चा करो, ठीक है। तो अभी बच्चों इसमें आगे तब क्या वो पैटर्न आया है, सिलेबस क्या है, उसमें चर्चा करने का विषय है व्यवहारिक व्याकरण, जिस तरह प्रश्न आते हैं व्याकरण में,
यह सारा विषय अभी चर्चा करने का है बच्चों। तो अगला विषय हम अभी क्या बाकी विषय है अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।